दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। शाहरुख खान ने बनाया हिंदू धर्म का मजाक। खोपड़ी तोड़ने, खोपड़ी तोड़। दीपिका पादुकोण ने बेशरम रंग गाने में बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। थोड़ी मर्यादा रखिए, करो पठान को बॉयकॉट। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जनता कह रही है और कई तो नेता लोग भी कह रहे हैं कि पठान को रिलीज नहीं होने देंगे। लेकिन ये सारा फड्डा है क्या? जो फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है, फिल्म तो छोड़ो ट्रेलर भी जिसका रिलीज नहीं हुआ है, अब क्यों हो रही है बॉयकॉट? बता रहा हूं इस वीडियो में। हाय, मैं हूं वो आदमी जिसको बेशरम रंग में शिल्पा राव की आवाज बहुत प्यारी लगी, लेकिन इस वीडियो में कोरियोग्राफी और डायरेक्शन कतई गू लगी। सही खेल गया वैन। ओह नहीं सॉरी, मेरा मतलब मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट। बॉलीवुड ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि चलो मिल गई आजादी बॉयकॉट के ट्रेंड से, लेकिन फिर आ गए शाहरुख साहब और दीपिका दीदी। पठान ट्रेलर रिलीज से पहले रिलीज कर दिया गाना बेशरम रंग, और गाने की वीडियो देख के लोगों के मुंह से बस यही निकला, अश्लील है ये लौंडा। वेल मोर देन द लौंडा, दिस वाज फॉर द लड़की। वैसे तो लौंडा के साथ लौंडिया कह सकते थे, लेकिन अच्छा साउंड नहीं करता है। मीनवाइल शाहरुख खान साहब की नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है बॉयकॉट। ओह नहीं सॉरी, मेरा मतलब पठान। लेकिन हर जगह इतना बॉयकॉट चल रहा है कि इसका मतलब यू नो बॉयकॉट इक्वल टू पठान, पठान इक्वल टू बॉयकॉट अपने आप मुंह से निकल जाता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बॉयकॉट ट्रेंड कहां और कैसे शुरू हुआ, क्यों शाहरुख खान को बोला गया कि उनका गाना बेशरम रंग हिंदू धर्म के खिलाफ है, इसकी कुछ छोटी छोटी वजहें हैं। सबसे पहले तो शाहरुख खान साहब के पुराने बयान, जहां उन्होंने कहा था कि इंडिया में इंटॉलरेंस असहिष्णुता बहुत ज्यादा है, लोगों ने तब भी इस बयान को आड़े हाथों लिया और सीधे बोला कि गो टू पाकिस्तान। देखो जनता, ऐसे तो नहीं होता कि आप किसी को जबरदस्ती देश से निकालने का फरमान सुना दो। ऐसा उस वक्त सभी समझदार लोगों ने ऑफेंडेड लोगों के लिए भी कहा। तो वहां से ऑफेंडेड लोगों ने इसका एक उपाय निकाला कि जो फिल्म अब ये रिलीज करेंगे उसका हम बहिष्कार करेंगे। एक एक करके ये जो बॉयकॉट का मूवमेंट था वो बॉलीवुड की हर फिल्म के साथ जुड़ता गया, और लेट सुशांत सिंह राजपूत के गुजरने के बाद बॉलीवुड के खिलाफ हो गया आम सेंटिमेंट एकदम अगेंस्ट में। इन शॉर्ट, बॉलीवुड को आम जनता ने कहा चुप, बिल्कुल चुप। उसके बाद शुरू हुआ इस फिल्म के अराउंड बवाल। फिल्म पठान में है शाहरुख, जिनके नाम पे पहले ही जनता गरमाई बड़ी थी। उसके बाद नाम आता है दीपिका पादुकोण का, जो अपनी फिल्म की रिपोर्टेडली प्रमोशनल स्टंट में चली गई थी जेएनयू, और वहां से उन पे ठप्पा लग गया कि ये तो लेफ्टिस्ट है, एंटी इंडिया है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, और भी पता नहीं क्या क्या बोला गया दीपू दीदी को। अब जब दो ऐसे लोग जिन पर अचानक ही ठप्पा लगा दिया जनता ने एंटी इंडिया होने का या हिंदू विरोधी होने का, वो दोनों एक ही फिल्म में जैसे ही आए तो बॉयकॉट का ट्रेंड शुरू हो गया। बची कुची कसर जो थी वो पठान फिल्म के गाने ने पूरी कर दी बेशरम रंग, जो पहले तो इस बात के लिए वायरल हो रहा था कि क्या फुद्दू डांस वीडियो है इस गाने की। दीपिका के डांस के स्टेप्स और कॉस्ट्यूम्स को इसी बीच वल्गर तक बोल रहे थे लोग। उसके बीच में पता नहीं किस बंदे ने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए और इस गाने की वीडियो के एक छोटे से पार्ट को काट कर कर दिया वायरल। ये भी बोला साथ में कि देखो, हिंदुओं का भगवा रंग पहनाया एक हिंदू लड़की को, और तो और वो कपड़ा भी एकदम छोटा सा, बोले तो वल्गर, और उसको नचा रहे हैं शाहरुख साहब जो कि हैं मुस्लिम, और गाने का नाम है बेशरम रंग, यानी हिंदुओं के भगवा रंग को बेशर्मी का प्रतीक कहा गया। दूसरी तरफ एसआरके और दीपिका के फैंस कह रहे हैं कि देखो ये बहुत फुकरी बात है, एक रैंडम फ्रिवोलस थ्योरी से ज्यादा कुछ और साउंड नहीं कर रही है ये, तुम बस देश में हर बात पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराना चाहते हो एटसेट्रा एटसेट्रा। शायद ये मुद्दा आपस में बहसबाजी करके शांत भी हो जाता, लेकिन अचानक ही एंट्री होती है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की। ये साहब है मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जी, और इन्होंने बयान दिया कि गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। बस यही बोलना बाकी था और गई वायरफ की भैंस पानी में। उधर उनको लग रहा था कि नई फिल्म के आने से पहले एक बढ़िया सेक्स से और हॉट सा गाना निकालते हैं और फिल्म की रोटी सेकने से पहले अपना तवा गर्म करके रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बॉयकॉट वीरों ने वायरफ शाहरुख और दीपिका से बस यही कहा, निकल पहली फुर्सत में निकल। उधर बेचारे पठान फिल्म के तीसरे स्टार जॉन इब्राहिम, जो राइट विंग के चहेते हैं, देशभक्ति की फिल्में भी करते हैं, वो कुछ कह ही नहीं पा रहे कि वैनस्टर से हो क्या रहा है, अगर बोलूंगा तो मेरी आगे की फिल्में पिटेंगी, नहीं बोलूंगा तो इस फिल्म के साथ मेरा भी बॉयकॉट होना तय है।
अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वैसे जहां तक समझने की बात नहीं समझते, फिल्म के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और एक्टर्स भी नहीं पा रहे हैं कि ये दीपिका का स्विम सूट और अजीब सी घूमने वाली कमर अचानक से देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के 8 PM वाले पैनल डिस्कशन में क्यों डिस्कस हो रही है, और उसमें भी ये क्यों डिस्कस हो रहा है कि दीपिका को ऑरेंज नहीं ग्रीन कलर का स्विम सूट पहनना चाहिए था, विच टू बी फेयर पहना भी है दीपू दीदी ने। लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि दोनों मियां बीवी दीपिका और रणवीर आजकल कपड़े उतार के घूम क्यों रहे हैं, ऐसी कौन सी खुराक उड़ गई है इन दोनों को। इसका जवाब खैर मेरे पास नहीं है, मेरा काम था आपको इस बहुत ही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझाना। मैं कल इधर लिख लूं कहीं UPSC के एग्जाम में ना आ जाए। आपको क्या लगता है, पठान को बॉयकॉट करना सही है या नहीं? क्या दीपिका पादुकोण, जिन्होंने पूरे गाने में हर ब्राइट कलर का स्विम सूट पहना है, उनको सिर्फ ऑरेंज कलर के स्विम सूट को लेकर ट्रोल करना चाहिए या नहीं? क्या ये फिल्म और उसका गाना धर्म विशेष को नीचा दिखा रहा है? क्या शाहरुख साहब, जो मक्का से लेकर वैष्णो देवी तक हर जगह दिख रहे हैं, उनको भी बॉयकॉट करना, एंटी नेशनल बोलना सही है या नहीं? बहुत सारे सवाल है, लेकिन जवाब आपके हिसाब से क्या है नीचे कॉमेंट्स में बताओ। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू अनकट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब फॉर मोर सच कॉन्टेंट। करीब 70% हमारे व्यूअर्स जो हैं हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, फ्री का माल है, देखे जा रहे हैं। भाई कर लो सब्सक्राइब, वो भी फ्री है, आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं हम। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट।